पंजाब में एक और एक्शन लिया जा रहा है जिसको इस दफ़ा उन्होंने क्रैकडाउन नहीं कहा, लेकिन सीएम नकवी साहब जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम निमोनिया केसेस के ऊपर प्रॉपर डेटा कलेक्शन करेंगे और जो ब्लैक मार्केट में वैक्सीनेशंस बिक रही हैं उस पर भी एक क्रैकडाउन करेंगे। प्लीज़ असद, लेट अस नो मोर अबाउट दिस न्यूज़। निमोनिया एक बहुत मसला हुआ है। स्कूलों की हद तक आप सिर्फ देख लें तो हमने पढ़ा था कि 36 बच्चे अभी तक ऑन रिकॉर्ड हैं जो निमोनिया की खातिर अपनी जान खो बैठे हैं। बहुत अफसोसनाक खबर है। उसके साथ साथ इसलिए इन्होंने प्राइमरी पहली जमात से नीचे वाली जो क्लासें हैं प्राइमरी और जो आपके लोअर स्कूल्स होते हैं उनको छुट्टियां दे दी हैं मज़ीद आगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और निमोनिया के केसेस बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ जो निमोनिया की वैक्सीनेशंस हैं उनकी भी शॉर्टेज बहुत महसूस हो रही है। वैक्सीनेशन जो अमूमन दरियाफ्त होती है आपको मिल जाती है, वो नहीं मिल रही। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है। ऐसे भी हमने माजी में देखा है कि जो मेडिसिन ज़्यादा चाहिए होती है उसकी शॉर्टेज क्रिएट की जाती है ताकि प्राइस हाइक हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस केस में ऐसे है। तो एक जो वैक्सीन जैसे मैं फॉर एग्जांपल 7,650 रुपये की जो वायल मिलती है आपको, उसकी वैक्सीन मिलती है वो 14,000 में मिल रही है ब्लैक में। सो किसी के लिए 14,000 रुपये की दवाई लेना तो एक बड़ा एक मुश्किल चीज़ है। उसके साथ साथ हमने जो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर वो ये है कि जी जो वो तो अपना सियासी बयान जो है वो वापस लाएं इसके अंदर जी के, क्योंकि यहाँ पे दवाइयों की जो कीमतें हैं वो रेगुलेटेड होती हैं ड्रैप से, गवर्नमेंट से। तो वो कहते हैं जी कि अब हमारे लिए बनाना दवाइयाँ जो हैं वो एक महंगी चीज़ हो गई है, प्राइस आप रिवाइज़ नहीं करते, सो इस वजह से हम अब बनाएंगे ही नहीं कुछ दवाइयाँ। मैं ये नहीं कह सकता फॉर श्योरिटी कि ये निमोनिया की दवाई जो है वो इस लिस्ट में आती है, उनकी वैक्सीन इस लिस्ट में आती है, बट बहुत मुमकिन है कि मसले मसाइल इधर ही हैं। बिल्कुल, ये भी है। दूसरा ये कि अब ये वायरल है तो वायरल मतलब वो तो हर दफ़ा स्ट्रेन बदल जाता है। सो जो वैक्सीन होती है वो तो पिछले साल तक के लिए होती है, अगले साल स्ट्रेन बदल जाना है। शायद अगर आप वैक्सीन लगवा लो तो उसकी शिद्दत इतनी ना हो, कोई शायद फौत ना हो, लेकिन निमोनिया हो तो फिर भी सकता है। और बाकी ये है कि मतलब अगेन वो वायरल है, उसका शायद इस चीज़ का डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है कि आप ठंड कितनी है या आप अपने आप को कितना कवर कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा जो ठंड से रिलेटेड बीमारियां इसके अलावा उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को जितने आप लेयर्स कर सको आप करो। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि जो डायरेक्शंस दी हैं कि कवर योर सेल्फ अप और ये सब कुछ, आई डोंट थिंक दैट्स रिलेटेड टू निमोनिया। हाँ, निमोनिया से तो नहीं, बट ब्रोंकाइटिस से तो है ना, विच कैन लीड टू निमोनिया। ये भी ठीक है, लेकिन ये तो काफ़ी आई थिंक ये फार्मेसीज़ के लिए काफ़ी एक नुकसान। अब देखिए वो हमने इस पर पूरा एक शो किया था। बात ये है कि जब तक हुकूमत कहेगी कि हम बताएंगे कि कौन सी दवाई कितने की बनेगी, और अगर फार्मास्यूटिकल को लगता है कि इसकी तो कॉस्ट ही उतनी उससे ज़्यादा है जितने की ये बिक रही है, तो वो नहीं बनाएंगे। वो सवाब कमाने तो नहीं बैठे हुए, वो असल में बिजनेस है ना। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एजुकेशन प्राइवेट हद तक और हेल्थ केयर प्राइवेट हद तक, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक रखना चाहती है होल्ड। ठीक है, एक हद तक ओवरव्यू तो होना चाहिए, हर चीज़ पे होना चाहिए। जैसे मीडिया में भी एक मतलब अगर जो हम भी चैनल पे बैठे हैं बट एक बॉडी कैमरा है, बट वो आपकी कोई इतनी बारीकी मामलात के अंदर तो नहीं पड़ती ना। तो बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बात करें तो अगर आप महंगा हो गया है, मतलब डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है और आपका रॉ मटेरियल यहाँ बनता नहीं है, वो आपने इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट प्राइस ऊपर चली गई है। एक दवाई जो 100 रुपये की थी आपको बनाने में ही अगर 500 रुपये लग रहे हैं तो आप बेचेंगे उसको 550 की, वो कहते हैं नहीं 100 रुपये की बेचें अभी भी आप गवर्नमेंट वाले। और रिविजन्स जो उनकी प्राइसिंग की है ये हमने देखा है, उसी शो पे डिस्कस किया था कि वो नहीं मानी जाती। सो ये एक सारा मसला और बड़ी आम रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ जो पेशेंट्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम ना सोशलिस्ट रियासत हैं ना कैपिटलिस्ट रियासत हैं, हम पता नहीं ना तीतर ना बटेर, ये इस तरह नहीं चलता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएँ ताकि कोई खबर रह न जाए।